सो है गेमर, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस अगर पता चल चुका है तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं पता चला है तो बता दूं गाइस, हमारे स्कार पार्क के जो मंथली मिशन है वो फाइनली अनलॉक हो चुके हैं बिना किसी अपडेट के। जैसा कि मैंने आपको कल बता ही दिया था कि जो मिशन है वो बिना किसी अपडेट के ही आने वाले हैं, और कल रात को ही गाइस आ चुके हैं हमारे मंथली मिशन। और इस मिशन के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे नए आउटफिट आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो के अंदर आपको आउटफिट तो मैं दिखाई दूंगा, और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे आउटफिट पहले ही देख लिए होंगे क्योंकि यार सभी लोगों को यहाँ पे अपडेट मिल चुका है। बट यार जो मीडियो का हमारे जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है गाइस, यहाँ पे आपको जो मिशन है, काफ़ी सारे मिशन ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो में मैं सारे मिशन आपको समझा दूंगा ताकि आप इजीली उन मिशन को यहाँ पे कंप्लीट कर सको। और जो सेकंड चीज़ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ वो गाइस कि यार ये आउटफिट जो हमें मिलने वाले हैं गाइस, ये परमानेंट है या फिर टाइम लिमिटेड है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में आपको बता दूंगा। तो यार चैनल पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आज का लाइक गोल करते हैं लोग 20 लाइक का, तो यार फटाफट से यहाँ पे करवा देना 20 लाइक हमारी। तो यार चलते हैं फटाफट से अब गेम की लॉबी की तरफ और कवर करते हैं हमारे सारे टॉपिक्स को। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने गेम की लॉबी में, और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 1 मिशंस। और अगर आप लोग यहाँ पे स्टोर खोल के देखोगे तो यहाँ पे नए आपको आर्ट जो नए आउटफिट आए हुए सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले नंबर का आउटफिट अगर लोग देखें तो यार ये वाला आउटफिट जो ट्रेलर में भी नहीं दिखाया गया था यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है देखने को ये वाला आउटफिट यहाँ पे। तो कुछ आउटफिट आपको इजीली मिल जाएंगे आपको पहले दिन में, बट यार कुछ आउटफिट इतने ज़्यादा हार्ड है लेने के लिए, उनको आपको थोड़ी बहुत मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये वाला आउटफिट सबसे ज़्यादा हार्ड है, इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको सारे मिशन दिखाऊंगा कौन कौन से आउटफिट आपको किस मिशन पे यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे सारे आपको एक बार देख लो। और ये वाला आउटफिट मैं आपको अभी लेके ही दिखा दूंगा जो कि आपने अभी मेरा देखा ही भी होगा गेम प्ले में, मैं पहने भी हुए जो TDM मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ आउटफिट जो है 6 नए आउटफिट ऐड किए गए हैं, और 2 जो आउटफिट हैं वो वाले पुराने किए गए, जैसे कि ये वाला आउटफिट ये हमारे गेम में पहले से अवेलेबल था बट अभी रिमूव कर दिया गया था, फिर से यहाँ पे डाल दिया गया। और उसके बाद ये वाला आउटफिट भी यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल था, अभी यहाँ पे हटा के फिर से ऐड किया गया है। और यहाँ पे एक लास्ट आउटफिट बच गया है जो गाइस सबसे वाला है यहाँ पे पहले नंबर का, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे लग रहा है। तो गाइस सबसे जो मुझे अच्छा लगा आउटफिट ये वाला था गाइस, ये जो हमारा ब्लैक कलर का आउटफिट है। अगर आप लोगों को कौन सा आउटफिट मुझे पसंद आया जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, सभी आउटफिट के यहाँ पे नाम दिए गए हैं तो आप लोग वहाँ पे नाम सेलेक्ट करके यहाँ पे बता सकते हो गाइस कौन सा आपको पसंद आया। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने मिशंस के ऊपर, और यहाँ पे आपको टोटल 8 टाइप के मिशन मिलेंगे जिनके अंदर आपको डिफरेंट यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे टास्क। तो सबसे नीचे चलते हैं, यहाँ पे पहला है गाइस यहाँ से लास्ट से आपको सुपर डुपर करना है। तो आपको अगर मैप में आपको 6 सुपर डुपर आप यहाँ पे करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको पहले तो यहाँ पे एक बैकपैक मिलेगा, और उसके बाद अगर लोग बैक करें तो यहाँ पे 4 मिशन जो है जीतोगे गेम तो आप एक शर्ट मिलेगी, और उसके बाद जब आप 6 जीतोगे यहाँ पे तब जाकर आपको यहाँ पे एक आउटफिट देखने को मिलेगा जो कि गाइस ये वाला है जिसका आपको ट्रेलर भी दिखाया गया था। तो यहाँ पे हमारे को फिर से यहाँ पे एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है जिसके अंदर ये आउटफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया यहाँ आउटफिट आपको मिलने वाला है, काफ़ी इजीली मिल जाएगा ये मेहम मैप वाला। आपको बस मेहम मैप में 6 मैचेस जीतने हैं, उसके बाद आपका ये आउटफिट यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो बस अब बैक कर देते हैं और बात कर लेते हैं हमारे जो अंडमान मैप खेलने पर क्या मिलेगा। तो बस अंडमान मैप थोड़ा हार्ड है, 6 मैच जीतोगे तब आपको ये वाला पैराशूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे अगर बात करें 8 मैच जीतोगे तो यहाँ पे एक ये लोअर ऐसी मिलने वाली है, आपको पैंट है जो इस येलो शर्ट के साथ फिट होने वाली है। और उसके बाद गाइस जब आप लोग 12 मैचेस यहाँ पे जीतोगे अंडमान मैप के अंदर तब आपको ये वाला आउटफिट देखने को मिलेगा जो कि हमारे मैच में पहले भी था, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये ऐड कर दिया गया है। तो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है आपको 12 मैचेस यहाँ पे जीतने पड़ेंगे। सबसे हार्ड रहने वाला है गाइस हमारा TDM, 5 मैच जब जीतोगे आपको तब आपको यहाँ पे ये वाली गाड़ी मिलेगी। तो ये तो ईजिली मिल जाएगी यार, 5 मैच जीतने हैं मतलब आपको खेलने नहीं है 5 मैच, यहाँ पे आपको 5 मैच जीतने पड़ेंगे तब आपको ये वाली कार यहाँ पे मिल जाएगी। और बात करें उसका 40 मैच जब आप जीतोगे तब आपको ये एक नॉर्मल सी यहाँ पे एक टी शर्ट मिलेगी जो डिसेंट लग रही है काफ़ी ठीक ठाक। और जब आप 90 मैचेस यहाँ पे जीतोगे गाइस, 90 मैचेस जीतने आपको खेलने नहीं है तब आपको यहाँ पे फुटबॉल वाला ये आउटफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये वाला मिशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहने वाला है, 90 मिशन मतलब 90 यहाँ पे आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करें गाइस ये है गाइस किल करने है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहने वाला है। तो लास्ट वाला जो है हमारा देखो किल एक सिंगल मैच, तो आपको मेहम मैच में 20 किल करोगे ना आप तब जाकर आपको ये ब्लैक कलर का आउटफिट मिलेगा। एक मेहम मैच के अंदर आपको 20 किल करने हैं तभी आपको ये आउटफिट मिलेगा, अलग अलग नहीं, सिर्फ एक मैच में जाना है आपको 20 किल वापस करना है। तो ये मतलब इसके अंदर ये नहीं है कि आपको मैच जीतना भी है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 20 किल करना है, बड़े आप
जल्दी मर जाओ। उसके बाद आपको यूएल आउटफिट जो मैंने पहले ले लिया है, तो यहाँ पे आपको क्लासिकल मैच या फिर हमारा जो अंडमान मैप है उसके अंदर आपको 25 किल्स करने हैं, जो कि मैंने आज सुबह ही कर लिए और मुझे ये वाला आउटफिट यहाँ पे मिल चुका है, जो कि इसका इस फ्यूचर बेस यहाँ पे आउटफिट है। तो ये भी काफ़ी डिसेंट आउटफिट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और बात करें सबसे हार्ड मिशन की गाइस, तो ये वाला आउटफिट लेने में ना आप पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि आपको TDM के अंदर 40 किल करने हैं और मैंने यहाँ से 38 किल ही किए हैं। बट यार आप बॉट मार के शायद आप लोग यहाँ पर ले सकते हो, रियल प्लेयर मार के तो आपको नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वो गाइस साफ शूटर की, तो ये वाला मिशन भी है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, मतलब कह सकते हो हार्ड रहने वाला, इतनी ईजी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ये वाला शायद आउटफिट इसी के अंदर है, पता नहीं, स्किप करते हैं पहले हम लोग, शायद ये वाला आउटफिट यहीं पर ही मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है गाइज, जो स्नाइपर है, स्नाइपर से नहीं, किसी भी मोड में आपको ना हेडशॉट मारने हैं गाइज। और हेडशॉट कितने मारने हैं आपको, शायद 1800 हेडशॉट यहाँ पे आपको मारने हैं किसी भी मोड के अंदर। जो आप एनिमी को किल करोगे ना, तो हेडशॉट से किल करो 1000, तो मतलब समझ लो आपको 1000 किल तो करने ही पड़ेंगे ना मिनिमम, जो हेडशॉट मारोगे सारे अगर मारोगे तब जाकर वो आउटफिट आपको मिलेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे कुछ अलग अलग कपड़े भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक गन एंड गट्स मिशन है। इसके अंदर आपको सिर्फ SMG से आप मारने किल करने ऐसी कुछ है, यहाँ पे अगर आप AR से मारोगे तो आपको ये जैकेट मिलेगी 350, ऐसी कुछ यहाँ पे मिशन देखे यहाँ पे रखे हुए हैं। AR में आपको 700 किल करने हैं और बाकी स्नाइपर और SMG और यहाँ पे मिनी गन से 350 किल यहाँ पे आपको करने हैं, तो आपको आउटफिट यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। और बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको डैमेज डील वाला यहाँ पे मिशन है, तो ये तो आपका अपने आप ही हो जाएगा, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। जैसे देखते हो मेरे 2 हो भी गए हैं और ये वाला आज ही मैं कंप्लीट कर भी लूँगा। तो यहाँ पे जो आपको गन की स्किन्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी, जो आप लोग यहाँ पे अच्छी अच्छी 3 गन की स्किन मिल जाएंगी। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे सर्वाइवल की बात करें, तो यहाँ पे गाइस सबसे बड़ा मिशन वाला मैं कहूँगा आपको, आपको 1800 मिनट गेम खेलना है, मतलब अगर आप हर दिन 1 घंटा स्कॉरफॉल खेलोगे ना तो आपको 30 दिन लगने वाले हैं इस मिशन को कंप्लीट करने के। तो आप 2 घंटे खेल लो तो 15 दिन में आपको ये आउटफिट मिल जाएगा, वो है गाइस ये वाला आउटफिट, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त भी है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी लेने के लिए, जो कि यार काफ़ी बढ़िया भी बात है। अब चलते हैं सबसे सिंपल मिशन की तरफ, जो कि ये नंबर 1 पे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ पे आपको 40, 20 और 20 मैचेस खेलने हैं, 40 TDM खेलने हैं, 20 हमारे अंडमान मैप के अंदर खेलने हैं और 20 हमारे यहाँ पे मेहम मैप के अंदर खेलने हैं, और आपको यहाँ पे आउटफिट वगैरह यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो गाइस हम लोग आप देख लेते हैं गाइस, जो हमारे आउटफिट हैं वो गाइस परमानेंट हैं या फिर जो है टाइम लिमिटेड रहने वाले हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने यहाँ पे एक आउटफिट पहले से ले लिया है, तो ये वाला आउटफिट जो है मेरे पास है। तो चलते हैं गाइस इन्वेंट्री के अंदर और चेक करते हैं गाइस इसके में टाइम लिमिटेड है या फिर परमानेंट। तो यहाँ पे देखते हो मेरी इन्वेंट्री में वाला आउटफिट है, उस पर क्लिक करेंगे गाइस, डबल बार क्लिक करोगे तब आपको लिख के आ जाएगा कि ये आउटफिट गाइस 29 days and 33 hours के लिए ये हमारे पास है। उसके बाद गाइस यहाँ पे ये आउटफिट मुझसे ले लिया जाएगा। तो गाइस बता दें, ये वाले आउटफिट कोई भी आपको परमानेंट नहीं मिलने वाले, सारे टाइम लिमिटेड मिलने वाले हैं, बस 30 दिन तक आपके पास रहेंगे। उसके बाद गाइस जो है नए मंथली मिशन आ जाएंगे, नए आउटफिट आपको देखने को मिलेंगे। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने बता दिया आपको कि आउटफिट यहाँ पे टाइम लिमिटेड रहने वाले। तो आज वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं यार, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चल मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो तक, टाटा बाय बाय।